हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो सेशन में हमारा जो टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें देखिए, ए कंडक्टर है नंबर वन, ए कंडक्टर है नंबर टू। अब इसके लीजिए फोर्स कब लगेगा, इससे फोर्स कब क्रिएट होगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तब। तो मान लो कि इसमें करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इन दिस डायरेक्शन, और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। कितना करंट फ्लो होता है तो हमने बोला आई जितना, इसमें भी कितना करंट फ्लो होता है आई जितना। ओके, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो होता है तो इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, बिकॉज करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से दो कंडक्टर हमने ऐसे लिए, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में भी करंट फ्लो हो रहा है, और करंट से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे के डायरेक्शन इसकी है करंट, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कैसे, देखिए ये अंदर की तरफ कहां पे जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ, क्योंकि हमको पता है कि स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे बनेगा, इसके चारों तरफ। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो देखिए राइट हैंड का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ और ऐसे बाहर आएगा। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, देखिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनता है, देखिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और इसको ऐसे करते करते इसमें करंट यहां पे मान करते, ये देखिए ऐसे और फिर ये ऐसे, यहां पे इसको टच करता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना कितना बना, करंट वन है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बना बी वन, कितना बना बी वन या बी आई भी आप लिख सकते हो। ओके, देखिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बना बी वन, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना यहां पे लिखते हैं बी वन। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो बी जितना है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना है बी, तो यहां पे बी वन मेड बाय कंडक्टर वन एट लोकेशन कंडक्टर टू। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो यहां पे बना, यहां पे भी है पर यहां पे हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ, मींस दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब इतना मैग्नेटिक फील्ड बना, कितना मैग्नेटिक फील्ड बना, तो मैग्नेटिक फील्ड बी वन इज इक्वल टू म्यू जीरो। कितना उसका फॉर्मूला क्या है, सोचिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक, क्या है फॉर्मूला, न्यू जीरो आई वन डिवाइड बाय टू पाई डी, दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होगा। ओके, ए मैग्नेटिक फील्ड किससे बना, किस कंडक्टर में बना है, कंडक्टर नंबर वन,
बी वन मेड बाय कंडक्टर वन एट लोकेशन कंडक्टर टू। अब फिर से इसको अच्छे से समझे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया अंदर की तरफ, इसमें मैंने एक कंडक्टर को ऐसे कर दिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाया, इसमें मैंने इस कंडक्टर को रख दिया। जैसे मैंने इस कंडक्टर को रखा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैं एक कंडक्टर को रखूंगा तो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किससे लगेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना उससे। जैसे हम एक मैग्नेट को ऐसे आगे लेके चलते हैं तो उसके अलावा उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चलता है। हम थोड़े बहुत दूर होते हैं, यहाँ पे आयरन पीस पड़े हैं, जैसे हम यहाँ पे पहुंचते हैं वो उसको चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि ए जो आयरन पीस थे वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गए, तो ए इस पे फोर्स लगाए, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आपने इस कंडक्टर को रख दिया, या ए कंडक्टर इसकी मैग्नेटिक फील्ड के एरिया के अंदर आ गया तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा तो देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर टू ड्यू टू कंडक्टर वन। फोर्स कौन एक्सपीरियंस करता है? कंडक्टर टू पर ड्यू टू कंडक्टर वन। किससे? इस मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, ये फोर्स कितना है? तो ये जो फोर्स है उस फोर्स को क्या नाम देंगे? ये फोर्स किससे बना? तो फोर्स ऑन कंडक्टर टू ड्यू टू कंडक्टर वन इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताइए सर मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? बी आई एल लॉरेंट्स फोर्स से मैंने निकाला था। तो देखिए ए फोर्स किससे लगता है, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड से बना? बी वन से। पर किसने एक्सपीरियंस किया? कंडक्टर टू, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? ओके, आई और कंडक्टर टू और लेंथ, ए हुआ फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर वन बता दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर टू। फिर इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड एरिया के अंदर जब ये कंडक्टर आता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू कंडक्टर वन, इसकी वजह से। ओके, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इतना। किस मैग्नेटिक फील्ड से? बी वन मैग्नेटिक फील्ड से ये एक्सपीरियंस करता है, मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई टू, मतलब ये कंडक्टर नंबर टू। ओके, और इसकी लेंथ कितनी है? चलिए इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जो P1 का वैल्यू है इसमें रख देते हैं। तो देखिए वैल्यू ऑफ P1 पुट इन इक्वेशन नंबर टू। चलिए वैल्यू रखिए, तो F 2 1 is equal to b1 का वैल्यू रखिए mu 0 i1 i2 l देखिए mu 0 i1 आ गया i2 l b1 की जगह पे लिखते डिवाइड बाय 2 पाई d 2 पाई d। ओके, दिस इज द फोर्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं F21 divided by L, force per unit length, force per unit length, तो ये formula क्या आएगा? Mu0 I1 I2 divided by 2 pi d, this formula। चलिए ये समझ में आया आपको कि force कितना आया आपको, कितना फोर्स मिला?
म्यूजिक को आइडिया में राइटिंग यू आर प्रैक्टिस बाय डी. ओके ए फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया? कंडक्टर टू. मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? कंडक्टर नंबर वन. अब देखिए इसमें और एक मजेदार चीज, अब हम इस कंडक्टर को लेते हैं, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कहां पे आएगा? बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ आएगा. फिर से इसमें कंडक्टर ऐसे फ्लो हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे गया? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ. अब इसमें करंट ऐसे फ्लो होता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है देखिए वो कैसे बनाता है, तो वो ए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ये बनता है, ऐसे ए मैग्नेटिक फील्ड बना. ए कितना मैग्नेटिक फील्ड बना? बी टू. कहां पे बना? बाहर. दिस इज द साइड ऑफ आउटसाइड. ओके और ए बी टू बन गया. अब मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? बी टू मेड बाय कंडक्टर टू एट लोकेशन कंडक्टर वन. तो देखिए फिर से यहां बी टू मेड बाय कंडक्टर टू एट लोकेशन कंडक्टर वन कितना बना है? बी टू इज इक्वल टू म्यू जीरो आई टू. इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई टू कंडक्टर टू के लिए टू ऑन करते हैं, डिवाइड बाय टू बाय डी. चलिए यहां ओके अब इससे फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? कंडक्टर नंबर वन. तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर टू ड्यू टू कंडक्टर नंबर वन है. यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर नंबर वन ड्यू टू कंडक्टर नंबर टू. तो देखिए फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर नंबर वन due to conductor number 2. कितना फोर्स? सेम एक फॉर्मूला लिखना है, मतलब ये फॉर्मूला F 1 2 is equal to किस मैग्नेटिक फील्ड से? B 2 से. करंट इसमें फ्लो हो रहा है कंडक्टर नंबर 1 means I 1 और यहां पे ये फोर्स. ओके अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 5. वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 4 पुट इन इक्वेशन नंबर 5. देखिए वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 put in equation number 5. तो क्या formula बनेगा? यही formula लिखते हैं. F 1 2 is equal to mu 0 I 1 I 2 divided by 2 pi. देखिए दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल. दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बोथ आर इक्वल. दिख रहे हैं? तो दोनों फोर्स इक्वल है. दोनों फोर्स क्या है? इक्वल. देखिए एफ वन टू इज इक्वल टू एफ टू वन, दोनों इक्वल है. क्लियर है? या पहले टू वन को लिखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इज इक्वल टू वन, दोनों फोर्स इक्वल है. ओके पर क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? दोनों की डायरेक्शन सेम है. तो देखिए
यह क्या पे? इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना यहां पे कहां पे बनता है? अंदर की तरफ। फिर से देखिए, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना कहां पे? इस पॉइंट पे। कहां पे? अंदर की तरफ। तो देखिए लेफ्ट हैंड व्यू से ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट कहां पे फ्लो हो रहा है? अपर डायरेक्शन। तो ये मैंने इसको अपर डायरेक्शन में कर दिया। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? देखिए लाइक दिस। फिर से इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना यहां पे किस तरफ में? अंदर की तरफ। तो लेफ्ट हैंड व्यू में ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एक करंट कहां पे? अपर डायरेक्शन में। तो फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो इससे जो फोर्स मिला वो किस डायरेक्शन में मिला? यहां ऐसे। ये फोर्स ऐसे इस डायरेक्शन में। ओके, ये कौन सा फोर्स है? दिस फोर्स F21। ओके, ये कौन सा फोर्स है? F21। अब देखिए इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बना आउटसाइड यहां पे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पे? आउटसाइड। अब इसको देखिए, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? आउटसाइड लेफ्ट हैंड से, और करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? ऊपर। तो इस करंट को ऐसे, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो फोर्स किस डायरेक्शन में? दिस। ओके, तो फोर्स जो है दिस इनसाइड चलकर, जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड, करंट कैसे? ऐसे। तो फोर्स कहां पे जा रहा है? एक ऐसे इस डायरेक्शन। तो फोर्स कहां पे जा रहा है? इस डायरेक्शन। इसका फोर्स ऐसे F1। ओके, तो दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं, मीन्स इसको क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? अट्रैक्शन। तो ये दोनों फोर्स इक्वल है बट उनकी डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन। ओके, तो यहां से कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? इफ करंट फ्लोइंग इन टू पैरेलल कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स बिटवीन दीज टू कंडक्टर इज अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। तो देखिए करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन, फोर्स इज अट्रैक्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, याद रखें, इफ करंट फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन फोर्स इज अट्रैक्ट। क्लियर है? ओके, अब इसको और समझिए अच्छे से कि जब फोर्स जो है अब देखिए बच्चों, I1 एंड I2 आर अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में तो इनके बीच फोर्स कैसा लगेगा? इन सेम डायरेक्शन फोर्स इज अट्रैक्टिव, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कैसा लगेगा? देखिए इसमें करंट कहां पर फ्लो हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट हैंड टू करंट के लिए। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कहां पे? आउटसाइड। तो यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड बना V1, कहां पे बना? आउटसाइड। ओके, अब देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? आउटसाइड। करंट कहां पे? अपर डायरेक्शन। तो इस करंट को ऐसे कर दीजिए। फिर से देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटलाइन, करंट करंट कहां पे? अपवर्ड। तो इस करंट को ऐसे कर दीजिए, ये रहना चाहिए। तो फोर्स कहां पे जा रहा है? इन दिस डायरेक्शन, ऐसे जा रहा है। तो इससे जो फोर्स लगेगा ए फोर्स, ए कौन सा फोर्स है? F21 इस डायरेक्शन में। अब देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इन साइड, तो यहां पे मैग्नेटिक V2 इनसाइड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? अंदर की। करंट कहां पे? अपर डायरेक्शन। ये फोर्स कहां पे जा रहा है? इन द
दिस डायरेक्शन। तो इसका जो फोर्स लगा एफ वन टू दोनों फोर्स एक कैसे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? रिपल्शन फोर्स। ओके, तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट नोट कर देते हैं। इफ करंट आर ऑपोजिट डायरेक्शन फोर्स इज रिपल्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन के रिपल्शन और सेम डायरेक्शन के लिए अट्रैक्शन। ये समझ में आएगा? तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आप ये समझ सकते हो। अब इसमें एक बात और आपको समझना है कि इसमें कैसे कैसे एग्जाम्पल आते हैं, एग्जाम्पल कैसे आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, एक एग्जाम्पल यहां पर एक स्प्रिंग है, इसको हमने यहां पे इसके अंदर फिट कर दिया है, इसकी नोक यहां पे लगाई और इसके साथ हमने एक बैटरी को इसके साथ जोड़ दिया प्लस माइनस है। ओके, और भी कंपोनेंट होंगे। अब इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है ऐसे। अब देखिए, एक करंट यहां पे आएगी इस डायरेक्शन, फिर यहां पे आएगी ऐसे। यहां पे करंट देखिए ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो यहां पे इस डायरेक्शन, फिर से यहां इस डायरेक्शन, फिर से यहां इस डायरेक्शन ऐसे। समझ में आया? देखिए ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो करंट कैसी है? सेम डायरेक्शन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो कैसा फोर्स लगेगा? क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि स्विच ऑन करने से ये जो स्प्रिंग है ऐसे श्रिंक होगा या ऐसे उसको हम अलग कर सकते हैं? ओके, दोनों के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा ये जो सर्कल है उनके बीच का। तो स्विच ऑन करने से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो ये सब ऐसे कंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में तो क्या होता है? अट्रैक्शन। तो ए ऐसे। ओके, तो ये सब क्या हो गए? श्रिंक, श्रिंक हो। ओके, तो ये सब ऐसे हो गए। पर इसको और देखिए, अब क्या हुआ? जैसे इन सब ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे हो गए, इन लोग जो है इससे बाहर निकल रहे हैं और ऐसे हो गए, ऐसे आ गए। क्यों? क्योंकि ये सब ऐसे हो गए तो ये जो नोक था वो भी ऊपर आ गया। अब जैसे नोक ऊपर आएगा सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया, सर्किट डिस्कनेक्ट होगा, अब इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा तो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते नहीं, तो फिर से ये क्या होगा? वापिस आएगा और फिर से वापिस आके इसके अंदर ऐसे जुड़ जाएगा। ये क्या करता है? ऑसिलेशन करता है। क्या करता है? ऑसिलेशन। ओके, अब आपको ऑप्शन क्या है? श्रिंक या सेम पोजिशन, ऑसिलेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑसिलेशन। श्रिंक में लिखना है, क्योंकि श्रिंक एक बार हुआ पर सर्किट डिस्कनेक्ट होने से ये क्या हो जाएगा? फिर से डिस्कनेक्ट होने से फोर्स नहीं लगेगा तो वापिस वो ऑसिलेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो एक एक तरह का फोर्स होता है। फिर देखिए, कभी कभी ऐसे एग्जांपल आते हैं, यहां पे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर ऐसे, इसमें एक कंडक्टर को ऐसे कर दिया, अब कितना फोर्स लगे? या एक कंडक्टर को ऐसे कर कितना फोर्स लगे? ए इंपॉर्टेंट। समझ में आया?
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में f इज इक्वल टू न्यू जीरो आई वन आई टू पर यूनिट लेंथ, यहां पे 2 पाई डी कॉस थीटा। देखिए अब एक कंडक्टर ऐसा है, एक कंडक्टर ऐसा है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होगा जीरो, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जीरो, समझ में आएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इसको हम यूज करेंगे आगे जाके फॉर्मूला में भी, और इससे हम एग्जाम को भी सम करेंगे, तो ये आपको पूरा याद रखना है, बरोबर। कभी कभी इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिखते हैं न्यू जीरो टू आई वन आई टू डिवाइड बाय फोर पाई टू, ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम न्यू जीरो अपॉन टू पाई को नहीं जानते, हम किसको जानते हैं न्यू जीरो अपॉन फोर पाई, तो इसको फोर पाई करने के लिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि न्यू जीरो अपॉन फोर पाई इज अ कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स बिटवीन टू करंट के कंडक्टर, कैसे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, डायरेक्शन कैसे मेजर करना है, वो सब आपको याद रखना है। ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करना है जो इस टॉपिक के रिलेटेड ही है, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब यहां पे हमको डिफाइन करना है 1 एम्पियर करंट, डिफाइन 1 एम्पियर करंट। फिजिक्स में इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आज तक बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं, पर 1 एम्पियर करंट का जो हमें डेफिनेशन निकाला है वो इस एक्सपेरिमेंट से निकाला है। कौन से एक्सपेरिमेंट से? फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अभी आपने जो टॉपिक देखा। ओके, अब इससे कैसे निकालना है 1 एम्पियर का करंट? देखिए यहां पे ये दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होती है तो दोनों के बीच फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसको रिजिड कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं रिजिड, मींस ऐसे स्ट्रेट बांध देते हैं, ए यहां से अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, तो यहां पे इसके साथ एक रस्सी बांध दी और इसके नीचे हमने 100 ग्राम वेट लगा दिया, कितना 100 ग्राम। अब 100 ग्राम वेट लगाएंगे तो कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, कितना फोर्स लगेगा 100 ग्राम, फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। इसके आगे भी हमने देखा था कि 100 ग्राम मीन्स इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए 0.1 केजी, और ग्रेविटेशन कितना 10, F is equal to mg, 0.1 into 10, कितना फोर्स लगा 1 न्यूटन, कितना फोर्स लगा 1 न्यूटन, तो फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1000 ग्राम रखता हूँ तो कितना फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, तो जैसे हमने यहाँ पे फोर्स लगाया एक फोर्स कितना होगा 1 न्यूटन, तो ये जो रस्सी थी ये मतलब ये जो तार था वो ऐसे हो गया। आपको पता है कि ए ऐसे हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको तो बांध दिया है पर इसके नीचे रेट लगाने से ए इस शेप में आ जाएगा, कितना फोर्स लगा 1 न्यूटन। ओके, अब हमने क्या किया, स्विच ऑन किया और दोनों में से करंट पास किया, तो इसमें से करंट पास होता है और ए जो है वो अपने आप फिर से वापिस ऐसा हो गया। अगर ए वापिस ऐसा हो गया इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कितना फोर्स लगा है 1 न्यूटन, दोनों फोर्स इक्वल हो, तभी तो ए
ऐसा होगा। फिर से करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो अगर ए फोर्स इक्वल होंगे तो ए वापिस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा। तो इसमें भी कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। कितना फोर्स लगाया? 1 न्यूटन। ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि फोर्स इक्वल होगी तभी तो ये पोजीशन आएगी। अगर ज्यादा होगा इसका फोर्स तो ऐसे हो जाएगा, अगर कम होगा तो ऐसे ही रहेगा। तो फोर्स कैसे होगी? इक्वल। ओके, तो यहां पे देखिए फोर्स का इक्वेशन क्या था, एफ अपॉन एल इज इक्वल टू न्यू जीरो टू आई वन आई टू डिवाइड बाय 4 पाई। दिस फॉर्मूला। ओके, अब देखिए यहां पे इस करंट को हम मान लेते हैं 1 एम्पियर। सपोज हमने मान लिया, हमको पता नहीं है कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, पर इस करंट को हमने 1 एम्पियर मान लिया। इफ सपोज आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो एक कितना फोर्स लगेगा? देखिए F इज इक्वल टू न्यू जीरो अपॉन 4 पाई, कितना? 10^-7। 1 × 1 I1 I2 कितना है? 1। 1 × 2 कितना? 2। तो ये फोर्स कितना लगा? 2 × 10^-7 न्यूटन। फिर इसको समझ, इसको समझ में आया, एक कॉन्स्टेंट है 10^-7, ये पूरा 2 हो गया, इतना फोर्स है जब इतना करंट फ्लो होगा। तो अब हमने क्या किया, इसमें देखिए ये करंट है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। अब हम इसको रिजीड कर देते हैं और इसके नीचे हमने ये फोर्स लगाया 2 × 10^-7 न्यूटन, क्योंकि हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं। अब मैं इतना फोर्स लगाऊंगा, मैंने फोर्स इतना लगाया और यहां पे इतना फोर्स लगाया तो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू 2 μ0 या तो μ0 अपॉन 4 / 2 I1 I2। ओके, ये डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस को हमने 1 मीटर रखा है, 1 मीटर, और लेंथ को भी हमने 1 मीटर रखा है, कंडक्टर की लेंथ जो है। ओके, तो अब हमने क्या किया, फोर्स हमको पता है कितना लग रहा है, 2 × 10^-7 मीटर, लेंथ कितनी है 1, μ0 / 4 / कितना है, ये कितना है 10^-7 क्रॉस 2 I1 I2 और ये पूरा कितना है 1। ओके, अब देखिए यहां से एक कैंसिल हो जाएगा तो I1 I2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1 एम्पियर। हमने यहां पे एक मीटर लगाया जो करंट मेजर करता है, अभी वो ऐसे है जब हमने इतना फोर्स लगाया तो वो हमको इतना देता, इसको हमने मान लिया 1 एम्पियर। फिर जब हमने इसमें 2 एम्पियर मतलब इस फोर्स को 4 टाइम कर दिया तो यहां पे हमको जो फोर्स करंट मिला उसको हमने बोल दिया 2 एम्पियर। क्लियर है? तो ऐसे हम करंट को मेजर करते हैं। फिर से सबसे पहले हमको पता नहीं था तो हमने 1 न्यूटन फोर्स लगा के इसको मेजर किया, ऐसे ये जो करंट था उसको 1 एम्पियर मान लिया। अब इतना फोर्स लगाते हैं तो ये हम देख रहे हैं कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये I1 is equal to I2 is 1 एम्पियर। चलिए ये क्लियर है, तो यहां ये आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इससे हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए 1 एम्पियर इज दैट अमाउंट ऑफ करंट व्हिच व्हेन फ्लोइंग
बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स क्रिएट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू इनटू 10⁻⁷ मीटर पर मीटर लेंथ पर मीटर मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके तो दिस इज 1 एम्पियर. अच्छे से याद रखना, समझना कि हमने 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन किया है. ओके तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक. एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसको नॉलेज बेस पे भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं.